दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी दिखाई गई वीडियो जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में 25 ऐसी रोचक जानकारियाँ बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के वादनगर में हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी जन्म कुंडली काफ़ी हद तक बाल गंगाधर तिलक जी से मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी बचपन में एक्टिंग और नाटकों में भी भाग लेते थे और अपने बचपन में एनसीसी में शामिल थे। शायद ये बात तो आप सभी जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बाल्यकाल में वादनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है। एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी बचपन में तालाब से एक मगरमच्छ पकड़कर अपने घर ले आए और माँ के गुस्सा करने के बाद उसको वापिस तालाब में छोड़ के आए। मोदी जी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन का 3 महीने का कोर्स किया हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी जी का विवाह 18 वर्ष की आयु में जसोदा बेन से हुआ तथा शादी के 2 वर्ष पश्चात ही वह उन्हें छोड़कर सन्यासी बन गए थे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि श्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के अकेले ऐसे प्रचारक हैं जो दाढ़ी रखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सालाना तनख्वाह 19 लाख रुपए है। क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर रोज रात को लगभग 12:30 बजे सोते हैं, वह सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं और रोजाना योग करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी स्विट्जरलैंड की फेमस ब्रांड मोवाडो की घड़ी पहनते हैं जिसकी कीमत लगभग 3,000 से शुरू होकर 1,90,000 तक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री नरेंद्र मोदी जी यह घड़ी हमेशा उल्टी पहनते हैं जिसे कि वो अपने लिए लकी मानते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जो पेन इस्तेमाल करते हैं वह जर्मनी की मशहूर कंपनी ब्रांड मोबला का पेन है जिसकी कीमत लगभग 1,30,000 रुपये है। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि यह पेन इनके अलावा श्री अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा व दलाई लामा जैसे मशहूर शख्सियत प्रयोग करती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी का चश्मा बुल्गरी ब्रांड इटली का है जिसकी कीमत लगभग 30,000 से 40,000 रुपये बताई जाती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के कपड़े अहमदाबाद में जेड ब्लू की 150 करोड़ वाली कंपनी से सिलते हैं तथा सूट का फैब्रिक, कलर, डिजाइन स्वयं नरेंद्र मोदी जी ही सिलेक्ट करते हैं। आपको जानकर और भी हैरानी होगी जब आपको यह पता लगेगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से प्रधानमंत्री की शपथ ली है और अभी तक के कार्यकाल में उन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। दीपावली जैसा त्यौहार जो कि हम अक्सर अपनी फैमिली के साथ मनाना पसंद करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी आज तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जितनी भी दीपावली के त्यौहार आए हैं उन्होंने ये त्यौहार बॉर्डर पर जाकर सेना के सैनिकों के साथ मनाए हैं। क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने ही 2014 के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार 3D टेक्निक का उपयोग भाषण देने के लिए किया था। आप ये सोचते होंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी को इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं। आपको जानकर यह और भी रोचक लगेगा कि जितने भी गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलते हैं साल में एक बार उन सभी गिफ्टों की बोली लगाकर उनसे जितना भी पैसा आता है वह सामाजिक संस्थाओं को दान कर दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
कि ट्विटर की फॉलोअर लगभग 60 लाख है। श्री नरेंद्र मोदी जी ही भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नोटबंदी जैसा सख्त कदम उठाया। श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने कम कार्यकाल के समय में सबसे ज्यादा देशों की यात्रा की है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और बहुत बड़ा सख्त कदम उठाया जिसका नाम मेक इन इंडिया है। इसके तहत विदेशी कंपनियां अब भारत में ही प्लांट लगाकर यहीं पर सामान का निर्माण करेंगी और उसके ऊपर मोहर मेक इन इंडिया की लगेगी। आपको जानकर यह और भी खुशी होगी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रहते ही इनके कार्यकाल में योगा को इंटरनेशनल स्तर पर दर्जा मिला और योगा डे की शुरुआत हुई। श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति देने के लिए, हर घर को LPG का कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वल योजना श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू की है। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि आजाद भारत के बाद आज तक नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे भी आने वाली रोचक जानकारी मिल सके।